तू चोर है तो तेरी दाढ़ी में तिनका सुपर चोर बंटी ਮੈਂ ਹੱਜ ਬੜੀ ਦਸਤ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲੇ ਜੇ ਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਂਦੀ ਉੱਚੇ ਵੀ ਨੈਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਟਰਨ ਕਲੇ ਚੰਗੀਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬੋਲ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਬੋਲ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਯੂ ਡੂ ਯੂ ਬੋਲ ਓਕੇ ਬਾਏ ਤੋ ਗਬਰੂਸ ਕੀ ਆਪਕੋ ਇਨ ਗਲੀਆਂ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੁਝੇ ਤੋ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੈਦਰ ਜੈਕਟਸ ਔਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹਮਨੇ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਥੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਡਾਲਾ ਥਾ ਮੇਰੇ ਇਸਾਨ ਪਿਲਾਰ ਮੂਵੀ ਸ਼ੋਅ ਪੇ ਜਿਸ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੈਦਰ ਜੈਕਟਸ ਦਿਖਾਈ ਥੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਥੀ ਤੋ ਹਮ ਫਿਰ ਸੇ ਵਾਪਸ ਆਪਕੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲੇਕਰ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਟਰਸ आने वाली हैं तो मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि कौन कौन से नए डिज़ाइन आए कौन कौन से नए कलर्स आए कौन कौन सी चीज़ें मैं अपने लिए चूज़ कर सकता हूँ और आपको चूज़ करवा सकता हूँ सो मैं लक्ष्य साहिल हम तीनों यहाँ पे हैं और बेस्ट ऑफ जैकेट्स हम आपको आज दिखाने वाले हैं इसी ब्लॉग में तो यही है वो शॉप जिसकी मैं बात कर रहा था लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या नया कलेक्शन है क्या क्या प्राइसेज और क्या क्या रेंज आपको ऑफर होने वाली है इसी शॉप में लेट्स गो सो व्हाट्स अप गाइस लक्ष्य वंस अगेन एंड आज हम आए हैं राशिद भाई के पास अगेन एक लेदर जैकेट की वीडियो बनाने के लिए आप सभी के लिए बहुत अच्छा ना और नया स्टफ लेकर आए हैं तो राशिद भाई ने भी एक जैकेट पहनी जो कि बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही है तो जब भी लेदर जैकेट्स की बात होती है आपको पता है मेरा मन कितना ज्यादा ललचा जाता है तो सबसे पहली लेदर जैकेट जो मैंने पहनी है वो होने वाली है बाइकर्स की जैकेट ये वाली जो ब्लू कलर की है ब्लू टच में है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है सबसे पहले आते ही मैंने इस लॉट में से ये उठा ली है क्योंकि मुझको सबसे ज्यादा प्यार है बाइकर जैकेट में से और इसकी फिटिंग आपको दिखाऊं तो जिप्स देखो कितनी ज्यादा अच्छी है सिल्वर कलर की जिप्स एंड यहाँ पे जो लाइनिंग है आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ क्योंकि हमारे साथ हमारा डीओपी साहिल और अल्फ्रेड भी है तो वो अच्छे से शॉर्ट्स लेगा जैकेट के एंड आपको दिखाएगा कि क्या क्या यहाँ पे स्टफ अवेलेबल होगा एंड डिटेल्स के लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी तभी आपको पता चलेगा कहाँ से मिलेगी कितने की मिलेगी और कहाँ कहाँ आपको ये पहुँचा सकते हैं जैकेट दिल्ली के बाहर भी आराम से आपके डोर स्टेप पर और लेदर जैकेट्स पहनने के हमेशा दो बेसिक रूल है एक क्वालिटी और दूसरा फिटिंग तो फिटिंग आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग लग रही है मेरे को तो कलर ऑल दो ये कॉमन है ब्राउन बट इसका डिज़ाइन जो है थोड़ा सा अलग है एंड इसकी फिटिंग की बात करो तो फिटिंग तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मेरा दिल ले गई तो मैं कोई बढ़िया सा कलर आप लोगों के लिए दिखाना चाहता हूँ और अपने लिए भी क्योंकि ब्राउन रेड कॉमन कलर से मैं बोल चुका हूँ तो सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ राशिद भाई से एंड राशिद भाई ये बताओ कि जो पिछली वीडियो बनाई थी आपको कैसी लगी बहुत अच्छी रही और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो 95,000 प्लस गबरूज ने देखी वो इतने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और यहाँ पे आगे आप लोगों ने जैकेट ली जो बहुत ही अमेजिंग बात है और सबसे ज्यादा बिकने वाली जैकेट आपकी कौन सी है लेदर जैकेट में देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ एक एक करके सभी ट्राई करेंगे ठीक है सबसे ज्यादा बिकने वाले सारे लेटेस्ट डिजाइन में अभी आपको शो कर रहा हूँ ठीक है मेरे गबरूज को डिस्काउंट जरूर देना है लेकिन बिल्कुल अगर प्यार करेंगे और इनको फॉलो करके आएंगे उनका नाम भी बताएंगे तो मैं जरूर डिस्काउंट दूंगा तो गबरूज अगर आपको डिस्काउंट चाहिए और अच्छा सा एक जैकेट चाहिए आपको एक एक करके भी दिखा दे कि कौन कौन सी जैकेट है डिस्काउंट अगर नहीं मिला तो साहिल का फोन नंबर इस वीडियो के नीचे डालूंगा मैं उसको कॉल करके डिस्काउंट जरूर मांगना पेटीएम करेगा आपको हेलो साहिल तो इन गलियों से गुजर गुजर के हमें एक और चीज़ याद आई वो है यहाँ की अच्छी अच्छी सड़कें हाँ मैं शॉर्ट्स दे रहा हूँ तेरे को दो मिनट शॉर्ट्स लेने के लिए बोल रहा है मीठा क्योंकि हमें वाले शॉर्ट्स लेने सारे जैकेट का आपको अच्छे से दिखाने के लिए ये गलियाँ हैं यहाँ की जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं और यहाँ पे दिलाती है एक रेट्रो फीलिंग तो यहाँ पे शायद हम फोटोशूट के लिए भी आ सकते हैं बाय द वे इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज डाली जहाँ पर आपको सबको बताया है कि क्या क्या नए प्रोडक्ट्स हम रिव्यू करने वाले हैं इस चैनल पर दैट इज़ लार्वन गबरू शो तो फिलहाल के लिए वो बात छोड़ते हुए जैकेट्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि जैकेट्स में क्या क्या खासियत है यहाँ पे तो गबरूज इस कलर के बारे में आपका क्या ख्याल है टर्कोइज शेड में है ये कलर मुझे काफ़ी डिफरेंट कलर लग रहा है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है एंड पहले मैंने इस कलर में लेदर जैकेट कभी भी नहीं देखी है इसके अलावा वाइन कलर और जो सी ग्रीन कलर होता है ये भी काफ़ी इन अगर लेदर जैकेट्स की मैं बात करूँ सो हम सोचेंगे इतनी सारी जैकेट्स हैं यहाँ पर इतनी बढ़िया अमेजिंग जैकेट्स है तो वाइन कलर की मुझे तलाश है वाइन या फिर ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी और काफ़ी ज़्यादा इन लग रहे हैं सो आई एम गोना गो फॉर इट फॉर श्योर तो गबरूज आई नो ये कि एक लेदर जैकेट नहीं है बट ये भी एक जैकेट है जो आपको हमारे मेन चैनल अर्बन गबरू में इस लाइफ स्टाइल पर देखने वाली है एक वेबसाइट एक ब्रांड ने हमें अप्रोच किया है जिसके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा स्टफ हम आ सकते हैं लेके आने वाले हैं विंटर फैशन के ऊपर वीडियो होने वाली है तो उसको भी देखना बिल्कुल भी मत भूलना
लग रहा हूँ एकदम सुपर हीरो। पर लग तो कुछ और ही रहा है। क्या तो गबरूस, अब मैं बात कराता हूँ कि राशिद भाई से, आपको ये दुकान कहाँ पर मिल जाएगी, इस दुकान का नाम क्या है, लोकेशन वगैरह सब फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं जैकेट्स के बारे में कि कहाँ से आती है, किस तरीके से एक्सपोर्ट होती है, क्या कुछ भी जो भी इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो पूछते हैं। तो सबसे पहले राशिद भाई ये बताओ कि आपकी खुद की फैक्ट्री है? जी, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हम एक बार ये भी कवर कर लेंगे कि जैकेट्स बनती कैसे है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, आई होप आप लेके चलोगे और दिखाओगे जैकेट कैसे। जरूर। सबसे पहले तो मुझको ये बताओ कितने तरीके की आपके पास लेदर आते हैं, मतलब कितने तरीके की लेदर, किस किस तरह? लेदर शीप चलता है, शीप कोट, कैमल, बफेलो, तरह तरह की काफी सारी क्वालिटी वैरायटीज हो जाती हैं। लेकिन उसने को फॉलो करने के लिए तो विजिट ही करना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिजाइन एंड डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर्स हो जाते हैं। तो मैंने आपको भी बहुत सारे पीस ट्राइज करवाए हैं, लेकिन इनमें भी बहुत सारे कलर्स एंड डिज़ाइन रह गए हैं जो ट्राई नहीं हो पाए हैं। बट आप जो दिखा रहे हैं वो आपके सामने कुछ ये भी हैं, बहुत सारे पीस हैं, बहुत सारे डिज़ाइन कलर, ये सारे मतलब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जितने भी आप जैकेट्स देख रहे हैं। ये सब अवेलेबल है, बाकी जो अपनी चॉइस का भी कोई अगर कलर या डिजाइन है वो भी बन जाएगा। मतलब कि आपके पास जो भी डिजाइन है, आप एक बार जो व्हाट्सएप नंबर नीचे मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ पर आप मैसेज करो एंड डिजाइन पूछो कि ये बन सकता है या नहीं बन सकता। क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ क्या था, मैंने भी एक डिजाइन दिया था राशिद भाई को, जिसमें रैकिंग में कुछ दिक्कत आ रही थी, जो फेक लेदर होता है, जो फॉक्स लेदर होता है, उसकी वजह से शायद कुछ दिक्कत आई थी, वो क्या थी आप बताओ? जी, वो रैक्सिन होता है, अदर मार्केट में अवेलेबल भी है, बट हमारे पास आपको गारंटी के साथ लेदर ही मिलेगा, जो गारंटी आप भी शायद देंगे क्योंकि आप तो विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, कंप्लेंट नहीं मिलेगा। गारंटी ये है कि क्या नाम है, जब भी आप यहाँ पे आओगे आपको लगेगी फेक लेदर है, तो उसके ऊपर कुछ इनाम रखा था शायद आपने। यस सर, जो आप बोले 10,000, 20,000 जो आप बोले मैं इनाम दे सकता हूँ, प्रूफ के लेदर नहीं है ये आपको प्रूफ करना होगा, बट मेरी तरफ से श्योर आप हो जाइए कि आपको गारंटी का लेदर मिलेगा। कि आपने लेदर तरीके तरीके की जैकेट्स हमारे थ्रू देख ली हैं, बट अब बेसिक सवाल आता है, मेन सवाल आता है कितने की पड़ेगी हमें जैकेट। तो भाई अपनी स्टार्टिंग रेंज बताओ हमें, कितने से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? देखिए, स्टार्टिंग 2500 से हमने किया हुआ है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो 6,000 या 7,000 तक आपको जैकेट मिल जाएगा। अच्छा, बट क्योंकि उसमें क्वालिटी का भी डिफरेंट होता है, बट और डिज़ाइन भी, कलर सब कुछ डिफरेंट होता है। एक ही क्वालिटी है जो हम 25 में दे रहे हैं, वही डिज़ाइन वगैरह हम सब कुछ 3,000 में भी दे रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी का चेंजिंग हो गया है। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा क्वालिटी बढ़ती रहेगी। और अगर हमारे थ्रू कोई आता है, अर्बन गुरु के थ्रू कोई आता है, सबसे पहली बात आपके आपको फॉलो करके जो लोग आएंगे, ऑब्वियसली मैं अपनी तरफ से भी एक अच्छी चीज़ देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, डिस्काउंट तो मिलेगा ही, ऑब्वियसली डिजाइन उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट मैं दे ही दूंगा, बट कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से भी बहुत अच्छा चीज़ आपको दूँ, कि कंप्लेंट आपको भी ना मिले और लोगों को भी, फ्रेंड लोगों को भी कोई कंप्लेंट ना हो। तो गबरू, जब भी आप यहाँ पे आने वाले हो शॉप पे, हमारा नाम लेना बिल्कुल भी मत भूलना, अर्बन गबरू का रेफरेंस देना बिल्कुल भी मत भूलना। और दूसरी बात भाई, जो डेलीगेट्स हैं वो लोग तो चलो आपके पास आ जाएंगे, NCR के लोग भी आ जाएंगे, बट जो बाहर रहते हैं उनको अगर जैकेट की डिलीवरी चाहिए तो कैसे करेंगे? यस, जो नहीं आ पाते हैं, वीडियो में इतने सारा कलेक्शन देख लिया है, इनमें से अगर कोई पसंद आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे करके उसका फोटो सेंड और पूछ सकते हैं, मैं उसको कोरियर कर सकता हूँ। डिलीवरी अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा या पेटीएम के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो भाई का नंबर हम डाल देंगे यहाँ पे, फ्लैश हो रहा होगा इस टाइम पे, डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, तो उनको कॉल करके आप इमेजेस मंगवा सकते हो। तो रूस देखो, ये सब तो आपको दिखा देंगे वीडियो में, आपको पता चल जाएगा कितनी वैरायटी है, पर जब तक आप यहाँ पर विजिट नहीं करोगे और खुद पहन के नहीं देखोगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपके ऊपर लुक कैसी आ रही है। जैसे कि अभी मेरे को ये वाली जैकेट अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने पहन के देखा तो इट लुक्स वार्म ऑब्वियसली, एंड मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। जैकेट्स की बहुत सारी वैरायटी है, एंड एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ राशिद भाई से, कि सबसे बढ़िया लेदर जो होता है, मतलब इन चारों लेदर जो आपने बताया उसमें सबसे बढ़िया लेदर कौन सा होता है? ऑलमोस्ट लेदर सभी अच्छा होता है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, बट इनकी क्वालिटी होती है। शिप लेदर हाई क्वालिटी में भी आता है, बट उसकी ये है कि फिनिशिंग एंड इसकी जो गेज होती है लेदर की, वो सब डिपेंड करता है। कुछ लेदर होता है कि हार्ड होता है, कुछ होता है कि सॉफ्टनेस जो लेदर होता है बहुत अच्छा होता है। और इस वाली जैकेट का काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लेदर है, एंड मैं एक जानना चाहता हूँ बात और वो होने वाली है कि आपका जो ये लेदर होता है वो कहाँ से आता है? लेदर तो देखिए चेन्नई मद्रास से आता है, बट करोल बाग में डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो बड़े बड़े हैं, उनके पास आ जाता है, वहाँ से हम परचेज करके लाते हैं। अच्छा, मतलब लेदर की मैन्युफैक्चरिंग आपकी नहीं होती, आप लेदर करवाते हो किसी से? लेते लेदर तो यहाँ कभी कहीं पे भी कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ लेदर बाहर से चेन्नई मद्रास से आता है, ठीक है, उसको लाके हम मैन्युफैक्चरिंग इसको जैकेट तैयार करते हैं। अच्छा, तो यार इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप सब आओ यहाँ पर, जो डिज़ाइन आपके लेदर में, रैक्सीन में नहीं कह रहा, लेदर में जो आपके पास डिज़ाइन है, भैया के पास आओ तो
एंड भाई तेरा सेक्सी दिखा। तो अब हम आपको दिखाएंगे गबरूस भाई, आपको दिखाएंगे बेसिकली कि किस किस टाइप के लेदर होते हैं और ये रॉ लेदर है। अभी तक आपने जैकेट देख ली, फिनिश जैकेट देख ली कि किस तरीके से किस टाइप के लेदर है, बट ये भाई बताएंगे कि रॉ मटेरियल कैसा होता है। ठीक है, लेदर तो इसी तरह का आता है, छोटे छोटे स्किन में लेदर आता है जिसको हम कटिंग करके और लेदर जैकेट बनाते हैं। अच्छा, ठीक है, बनाने का तरीका ये है, स्टिच यहाँ पे भी हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैकेट बन रहा है। इसी तरह का लेदर आता है, बट इसमें कलर्स बहुत सारे हो जाते हैं, कुछ डिफरेंट कलर आएंगे। यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से स्टॉक सिर्फ लेदर जैकेट का रखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग मेरी एक जगह हो रहा है, वहाँ पे सारा लेदर स्टॉक है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ लेदर जैकेट ही अभी मैंने तैयार करके रखा हुआ है। सबसे पहले लेदर ऐसा ही आता है, इसके बाद आप इसको अलग डिजाइन और अलग कलर में कन्वर्ट कर। बिल्कुल जी, क्यों कंफ्यूज हो रहा भाई, इतनी सारे ऑप्शन है बच्चे के लिए। ये वाली मीठा ट्राई करेगा एंड इसके ऊपर अच्छी लगेगी, कमेंट करके जरूर बताना। कब जैकेट लेना, ब्लाउज नहीं। अब वो क्रॉप टॉप है, वो भी लेदर, कभी देखी है भैया? अब इसकी बारी है। ओ अकीनत पुत्र चट्टदा, ओ हो वाइन कलर अगेन, मस्त लग रहा है। जिप बंद करके देख, तब आइडिया लगेगा। आज ही करनी है। अब देख, यूं करके देख, बल्ले बल्ले करके देख, बल्ले बल्ले। हाँ, ओए होए, राइट है ना? बंद तो मैं वैसे भी नहीं करता, खुल भी करता। हाँ सही है, बाइकर जैकेट तो वैसे बाइक से बड़ा प्यार है अपनी। बहुत, इट्स माय फर्स्ट नोवेल। तो अगर तुझे चूज़ करना हो अपनी बाइक में और बाइकर जैकेट में, किसको चूज़ करेगा? बाइक और जैकेट, क्योंकि अपनी बाइक भेज दे, 10-50 ऐसी जैकेट यहाँ देंगे। शहनशाह लग रहा है भाई, यूँ कहीं यूँ। वाह बस। तो गबरूस, मैंने तो फाइनली ये वाला कलर जो मुझे सबसे पहले मैंने ट्राई किया था और आपको बोला, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कलर लग रहा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। बस हल्की सी फिनिशिंग भाई इस पर करके मुझे दे रहे हैं, तो मैंने तो जैकेट अपने ले ली। अगर आप भी ऐसा कलर लेना चाहते हैं तो ज़रूर इस शॉप पर आना, मत भूलना। तो गबरूस, मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली है। अगर आप बड़े बड़े शोरूम्स पर जाओगे ना तो आपको बहुत महंगी मिलेगी यहाँ पर जैकेट्स, आपको जितनी सस्ती मिल सकती है वो मे भी कहीं और ना मिले। तो ये सारी जैकेट्स मैं लेके जा रहा हूँ अपने घर वालों के लिए, और बस चलते हैं और मिलते हैं। बाय राशिद भाई, मिलते हैं। भाई भाई भाई, अरे भाई मेरे पैसे तो दे जाओ भाई। मैं भी कार्ड घर पे भूल गया भाई, अगली वीडियो में एडजस्ट कर लेंगे। तो गबरूस, हमने तो ले ली अपनी जैकेट सारी की सारी, सब दिखाओ अपने अपनी जैकेट। ये अगर आपको देखनी है कि इनके अंदर क्या है और हमने कौन सी फाइनल करी है, तो आपको जाना पड़ेगा अर्बन गबरू मेंस लाइफस्टाइल पे, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको आने वाली लुक वुक में जल्दी से जल्दी वाली जैकेट्स देखने वाली है, और अगर आप आना चाहते हो सब कुछ आपको बता चुके हैं। तो आज का ब्लॉग एंड करते हुए, टिल द नेक्स्ट टाइम गबरू, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, अर्बन गबरू आउट।